नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। एक दलित श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर बर्बरता और यौन हिंसा के आरोप। विकास के नाम पर हिमालय से खिलवाड़ का नतीजा है ये आपदा। किसान आंदोलन, भिवानी दादरी महापंचायत पहुंचा हजारों लोगों का हुजूम। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.37%। मजदूर अधिकार संगठन की नेता एवं दलित मजदूर कार्यकर्ता नवदीप कौर को 12 जनवरी के दिन सिंघू बॉर्डर के पास चल रहे प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से अभी तक इस ट्रेड यूनियन नेता की जमानत याचिका को 2 बार खारिज किया जा चुका है। यह सब उनके परिवार की ओर से हिरासत के दौरान पुलिसिया बर्बरता और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाने के बावजूद। उन पर आईपीसी की धारा 307 यानी कि हत्या करने के प्रयास सहित कई आरोप मढ़े गए। उनके खिलाफ कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें उन पर घातक हथियार के साथ दंगा करने, गैर कानूनी जमावड़े, आपराधिक धमकी, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, जबरन वसूली, अवैध अतिक्रमण, छिनैती और आपराधिक बल प्रयोग करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए दोनों ही सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड पर एक बार फिर से कुदरत का मानव निर्मित कहर बरपा है। वहां चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भीषण तबाही मची है और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। वैसे उत्तराखंड समेत समूचे हिमालय क्षेत्र में बरसात के मौसम में तो बादल फटने, ग्लेशियर टूटने, बाढ़ आने, जमीन दरकने और भूकंप के झटकों की वजह से भारी जानमाल नुकसान होना आम बात है। ऐसी आपदाओं का कहर कभी उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल तो कभी पूर्वोत्तर के राज्य अक्सर झेलते रहते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की यह घटना एक नए खतरे की ओर इशारा करती है। पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना राजस्व के अलावा स्थानीय लोगों के रोजगार की दृष्टि से जरूरी माना जा सकता है, लेकिन इसकी आड़ में हिमालयी राज्यों की सरकारें होटल मोटल, पिकनिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि विकसित करने, बिजली, खनन और दूसरी विकास परियोजनाओं और सड़कों के विस्तार के नाम पर निजी कंपनियों को मनमाने तरीके से पहाड़ों और पेड़ों को काटने की धड़ल्ले से अनुमति दी जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य, सबकी दास्तानें एक जैसी दर्दनाक हैं। ये सभी इलाके कई विशिष्ट कारणों से सैलानियों के आकर्षण के केंद्र हैं, इसलिए कई निजी कंपनियों ने यहाँ कारोबारी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हालांकि स्थानीय बाशिंदे और पर्यावरण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन इन इलाकों में पहाड़ों और वनों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकारी सरपरस्ती हासिल होने के कारण ये आपराधिक कारोबारी गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। यह खतरा प्राकृतिक नहीं बल्कि मनुष्य निर्मित है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों के तहत पहाड़ी और वनी इलाकों में कोई भी औद्योगिक या विकास परियोजना शुरू करने के लिए स्थानीय पंचायतों की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन राज्य सरकारें जमीन अधिग्रहण संबंधी अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विकास के नाम पर आमतौर पर कंपनियों के साथ खड़ी नजर आती है। आप इस खबर को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे हिंदी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसी ही एक महापंचायत हरियाणा के भिवानी दादरी में आयोजित हुई। इस पंचायत से देखिए न्यूज क्लिक की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अभी हम खड़े हैं दादरी भिवानी के महापंचायत में, जो किसान आंदोलन के समर्थन में देश में अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। अभी तक लगभग 20 से अधिक महापंचायतें हो चुकी हैं, जहां महिला पुरुष सबकी भागीदारी, लेकिन इस पंचायत की खासियत है, इस पंचायत में महिलाओं की भूमिका जिस तरह से दिख रही है, वो उस महापंचायतों में महिलाओं की इतनी भूमिका बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका में, आइए समझने की कोशिश करते हैं महिलाएं इस आंदोलन में क्या सोचती है और अपनी भूमिका को इस आंदोलन को कैसे देखती है। महापंचायत में शामिल हो यहाँ भाई,
यो कहना मानता को ना मोदी जी और हमारे भाई भतीजे रोड पे हैं और किसाना के पास तो तनवेरा अन्नदाता के पास तो क्या है अन्नदाता के पास है अन्नदाता देगी जब ये खाएंगे खाएंगे ना तो अन्नदाता क्या करेगा यो कहना मानता नहीं वो इतना जितना हमारा कहना नहीं मानेगा ना किसानों का इतना नहीं उठेंगे हम इतना नहीं उठेंगे बिल्कुल भी और मोदी को हम दिखा देंगे कि हम हरियाणा की नारी सा राख जैसी चिंगारी सा हमारे जो है ना तीन ट्रैक्टर औरतों के भर के आए हैं और बाकी आदमी आए हैं चरखी दादरी से और हम इसलिए आए हैं कि जो तीन काले कानून हैं जब हमने मांगे नहीं तो क्यों कोई चीज दी हमारे से इनको रद्द करवाने के लिए आए हैं और रद्द करवा के ही यहाँ से जाएंगे ये भी पक्का हमारा वो है चैलेंज है मुझे नहीं लग रहा मोदी जी के अंदर कोई भाव है क्योंकि ऐसे कंडीशन देख के किसानों की हर किसी का हृदय भाव विभोर हो जाता है लेकिन मोदी जी के कुछ भी असर नहीं हो रहा अगर हो रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि किसानों की जो मांगे हैं और जायज हैं वो उनको पूरी करने की कोशिश करें महिलाओं को पता चल गया हमारा राइट क्या है अब वो पीछे हटने वाले नहीं है कहीं ना कहीं वो है ना अपने मतलब जमींदार भाइयों से भी आगे खड़ी मिलेंगे आपको हमेशा ही जब तक नहीं मानेगी सरकार तो आंदोलन रहेगा इसमें तो कोई शक नहीं किसान तो उठने वाले हैं नहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी कि 8 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,831 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 84 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 11,904 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 157 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,08,38,194 हो गई है जिनमें से 1,55,080 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.19% हो गया है यानी कुल मरीजों में से
अब तक 1,05,34,505 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.37% यानी 1,48,609 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 58,12,362 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 36,804 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई है। आईसीएमआर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 20,19,614 सैंपलों की जाँच की गई है, जिनमें से 5,32,236 सैंपलों की जाँच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।